साथियों, हम सब जानते हैं कि भाजपा सरकार ने आम नागरिक को निचोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो गैस के दाम हो, डीजल के दाम हो, पेट्रोल के दाम हो, हर जगह उन्होंने वृद्धि करके आम नागरिक को परेशान किया है, उसके बजट को खराब कर दिया है। बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बड़े बड़े भाषण देंगे, राज्यों में जाकर बोलेंगे कि हम महंगाई कम करेंगे, और जब उनकी सत्ता है 7 सालों से महंगाई रुकने का नाम नहीं ले रही है। जिस प्रकार से पेट्रोल, गैस, डीजल के भाव उन्होंने बढ़ाए हैं, आम नागरिक की जेब पे उनके बजट पे वार किया है। और आपदा में अवसर, कोरोना काल में जरूरत थी कि देश की जनता को कहीं राहत दी जाए। राहत तो छोड़िए, उनसे पैसा लूटा गया, लाखों करोड़ रुपए उनकी जेब से लूटे गए, फिर भी ये सरकार का दिल नहीं बनता। यह असंवेदनशील सरकार है। हम सबकी जिम्मेदारी है कि जब आम नागरिक का बजट इस सरकार ने बिगाड़ दिया है, पेट्रोल, डीजल और गैस के कारण दूसरी चीजों को भी भाव में बढ़ोतरी हुई है, आज आम नागरिक का जीवन दुभर हो गया है। पर उसकी सैलरी नहीं बढ़ी है, पर उसके खर्चे बढ़ चुके हैं। उसको नहीं मालूम है कि कैसे अपने घर के खर्च पूरे करें, उसको नहीं मालूम है कैसे अपने बच्चों की फीस जुटाए, उसको नहीं मालूम है कैसे अपने पेट्रोल डीजल के पैसे निकाले। हम सबकी जिम्मेदारी है कि आम नागरिक की जो पीड़ा है उसमें साथ हम खड़े हैं। ये सरकार अहंकारी सरकार है, जिन्होंने 100 दिन तक किसानों की कुछ नहीं सुनी, वो आम नागरिक की पीड़ा क्या समझे। इस अहंकारी सरकार को बार बार हमको झंझोड़ना होगा, मिलके करना होगा, और एक दिन आएगा ये सरकार मजबूर होगी और अपने अहंकार को छोड़ने पर मजबूर होकर आम नागरिक की बात सुनने पर मजबूर हो जाएगी। आइए मिलकर हम इसी प्रकार से पिकअप अगेंस्ट प्राइसेस कैंपेन में जुड़कर आम नागरिक की आवाज को बुलंद किया, ऐसे ही सरकार के खिलाफ, उसकी गलत नीतियों के खिलाफ मिलकर आवाज बुलंद करेंगे और आम नागरिक के प्रति हमारी जो संवेदना है उसके साथ खड़े रहेंगे और हमारी जिम्मेदारी निभाएंगे। जय हिंद।